बार एसोसिएशन चुनाव का 24 तारीख को चुनाव होना है और इसके लेकर के जो है प्रत्याशी जो एडवोकेट प्रत्याशी हैं वो लगातार एक दूसरे से जनसंपर्क में लगे हैं और आप देख सकते हैं कि बार एसोसिएशन के ये मुख्य द्वार है और यहाँ पे लगातार जो है जो जनप्रत्याशी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और पूरा कोर्ट परिसर ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनावी माहौल जो देखने को मिल रहा है और चुनावी सरगर्मी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए कुछ प्रत्याशी हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस किस पद पे खड़े हैं और उनका क्या कुछ प्राथमिकता होगी, ये बताएगा किस पद पर खड़े हैं और क्या कुछ प्राथमिकता होगी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार त्रिवेदी हुआ, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारा जो मुख्य बिंदु है चुनाव लड़ने का कि जो हमारा धनबाद जो जितना बड़ा बार है तो उसी तरह से जो लाइब्रेरी है उसको करना है, क्योंकि लाइब्रेरी हमारा जो है समय के हिसाब से इसको ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना और वाईफाई सेवा बहाल करना, ये जो है मुख्य विषय है। हमने जो है पिछले वर्ष जो है किसी भी पद पर नहीं रहते हुए धनबाद बार में महिला कॉमन रूम का निर्माण करवाया जो कि धनबाद के विधायक माननीय राज सिन्हा के जो सहयोग से संभव हुआ और ये संभवतः जो है पूरे झारखंड में किसी भी कोर्ट में महिला कॉमन रूम जो है नहीं है। तो इसी तरह जो है जो लाइब्रेरी जो आज हमारा जो बढ़िया नहीं है तो आने वाले समय में लोग धनबाद के लाइब्रेरी को याद करें कि यहाँ का जो लाइब्रेरी है वो ई लाइब्रेरी और आधुनिक के साथ साथ वाईफाई से युक्त हो। ने सुना है तो आइए हम और भी अधिवक्ता हैं प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं, ये बताया जाए किस पद पे आप खड़े हैं और क्या कुछ प्राथमिकता होगी। महासचिव के पद पर मैं प्रत्याशी हूँ, पिछले बार भी मैं महासचिव के पद पर था और कुछ मतों के अंतर से पराजित रहा हुआ था, हमारे अभिभावक देवीशरण सिन्हा जी विजय हुए थे। बार को लेकर के कुछ विजन्स है, सबसे पहली बात तो ये है कि बार को इंक्लूसिव बार बनाना है। बार में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एक जो संगठन के बार के ऑफिस बियरर हैं और आम अधिवक्ताओं के बीच में एक दूरी, एक कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव हो गया है। जो भी कार्य प्रणाली रही हो पिछले कमेटी का, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, सबसे पहले तो इंक्लूसिव बार बनाऊंगा जिससे कि हमारे अधिवक्ता जो है उनका एसोसिएशन के प्रति एक विश्वास का बहाल हो, विश्वास का रिश्ता कायम हो। अब रही वेलफेयर की बात तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग अलग अलग होता है। प्रायोरिटीज बेसिस पर जो बार के इंटरनल रिसोर्सेज का जो पैसा है वो बार के अधिवक्ताओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हम लोग और भी फंड लाने का प्रयास करेंगे कि जो न्यायालय होता है उसमें धनबाद जिले के, मैं समझता हूँ 5 विधानसभा क्षेत्र आता है, 2 संसदीय क्षेत्र आता है, तो MP फंड है, MLA फंड है, बहुत सारी कंपनियाँ के मुख्यालय है जो CSR फंड से हम लोग पैसा लेने का कार्य करेंगे और उससे मेजर डेवलपमेंट वर्क जो होगा उस सब फंड से किया जाएगा। नए लड़कों का स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, लाइब्रेरी की बात आ रही है, कैंटीन की बात आ रही है, तो उसको प्रायोरिटीज बेसिस पर बड़े लोगों के सहयोग से और छोटे जो हम लोग यंग अधिवक्ता हैं उनके जोश से, उनके ऊर्जा से समन्वय बना करके बार का समुचित विकास करने का एक रूपरेखा हमारे दिमाग में है। और आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी घूमे होंगे, जैसा कि आशीर्वाद मिल रहा है तो अब तो मैं कार्य प्रणाली के बारे में विचार करना स्टार्ट कर दिया हूँ कि जो विश्वास हम पर जो व्यक्त किया जा रहा है अधिवक्ताओं का, उस विश्वास पर मैं कैसे खरा उतरूं। और मैं इतना जरूर भरोसा दिलाता हूँ अपने अधिवक्ता बंधुओं का कि जितेंद्र को वोट देने से आपको जीवन में कोई एक ऐसा पल नहीं आएगा जिसमें आपको शर्मिंदा महसूस होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना है कि इनका कहना है कि अधिवक्ताओं को विभिन्न तरह की समस्या है, उन समस्याओं को यदि ये जीत के आते हैं तो उनकी समस्या को बहुत जल्द दूर करने काम करेंगे। तो एक महिला अधिवक्ता है और ये भी प्रत्याशी हैं जी, बताया जाए किस पद पे आप हैं। जी, मैं सुधा मिश्रा असिस्टेंट ट्रेजरर के पद पे इस बार लड़ रही हूँ। क्या कुछ प्राथमिकता होगी आपकी? इससे पहले मैं निवर्तमान में गवर्निंग काउंसिल के पद पे रही हूँ। मैंने कॉमन रूम का निर्माण करवाया है यहाँ पे, बोल के हमारे बार से नहीं, राज सिन्हा जी के द्वारा ही बनवाई थी। इस बार हमारा सबसे पहला ये रहेगा जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, सभी के लिए एक पारदर्शिता बनी रहे, कोस को लेकर जो ये रहता है, जो यहाँ पर अनियमितता हुआ वहाँ पे ये प्रॉब्लम आया, ये कम से कम महिलाओं के हाथ जो कोस है वो सुरक्षित रहे,
बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। इनका कहना है कि यदि ये जीत के आते हैं तो महिलाओं अधिवक्ता जो है उनकी जो मान सम्मान है, उनकी जो गरिमा है वो कहीं कहीं बचा रहे। तो क्या कहेंगे आप? मेरा नाम चक्रवर्ती ओझा हुआ है, मैं धनबाद जिला का प्राथमिक सदस्य हूँ। मैं विगत 2002 का मैं यहाँ पे हूँ और मैं करीबन जो है 2 टर्म्स में जीत के भी आया था और सीनियर कार्यकारिणी में मैंने यहाँ पे काम किया हूँ और उसमें हमारे जो है उपाध्यक्ष हमारे कंसारी मंडल हुआ करते थे। तो जो भी हमें कार्य मिला था ईमानदारी पूर्वक हमने जो है दोनों तरफ का बिल्डिंग का डेवलपमेंट, वकीलों का बैठने का, सीटिंग का मैनेजमेंट और तमाम ये काम किया हमने अपने का। और इस बार जो है लोगों के कहने पर और अपने भाइयों के कहने के अनुसार जो है बोले कि नहीं आप जो इस बार सर हम लोगों का नेतृत्व कीजिए। जिस पद पर हैं आप? ये हम प्रशासनिक जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट में मैं इस बार जिम्मेदारी में किया हूँ और लोगों का पूरा साथ हमें मिल रहा है और मुझे है पूरे विश्वास है कि मैं जीत के आऊँगा भी। और उनका ये है कि आपने हमारे लोगों का नेतृत्व किया है और मुझे आपके नेतृत्व में मुझे विश्वास है और हर जगह जो है आप जो है हम लोगों को अकेलापन महसूस नहीं करने देते। आइए तो और भी अधिवक्ता है, हम उनसे बात करते हैं। प्रेम कुमार सिंह, कोषा अध्यक्ष पद पर दूसरा बार चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैं जीत के आया तो बार में आज में जो निकलता है बार में बहुत सारा मटेरियल जो छपता है जिसके में घोटाला होता है उसका मैं पर्दाफाश करूंगा और पूर्णतः पारदर्शिता रखूंगा। और हमारा एक सपना है कि बार का एक अपना डायरी हो, डायरेक्टरी हो जिसमें सभी अधिवक्ताओं का मोबाइल नंबर हो, सबका डिटेल हो, कौन कहां से आते हैं, क्या करते हैं और प्रत्येक 3 महीना पर बार में जो खर्च बच होगा उसका मैं ब्यौरा जो है सूचना पट पर मैं साटूंगा। और किसी भी प्रकार का अगर किसी अधिवक्ता को कोई समस्या हो उसके लिए मैं एक शिकायत पुस्तिका बार में उपलब्ध कराऊंगा और उसका निपटारा दूसरे दिन मैं जरूर करूंगा बार के कैबिनेट कमेटी में ले जाकर। तो आपने सुना कि यहाँ अधिवक्ता जो है विभिन्न पदों के लिए जो है यहाँ पे चुनाव में खड़े हैं और लगातार यदि इनका कहना है कि जो अधिवक्ताओं की समस्या है यदि ये जीत के आते हैं तो अधिवक्ताओं को समस्या का बहुत जल्दी निराकरण होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 तारीख को चुनाव में ये जो चुनाव का जो जीत हो, जीत का जो ताज है वो किसके सर पर बनाएंगे और अधिवक्ताओं की समस्या किस तरह हल होगी ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा मैन अभिषेक के साथ राजेश कुमार, मिरर मीडिया न्यूज़, धन्यवाद।